जय श्री कृष्ण मित्रों, आज का टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है और ऐसा टॉपिक जो कि बहुत सारे लोग पीड़ित होते हैं, उस समस्या से जूझ रहे होते हैं और वो चाह कर भी उस समस्या का समाधान नहीं कर पाते। तो मैं सस्पेंस से बिल्कुल पर्दा हटाता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ कि कौन सा टॉपिक है। आज का टॉपिक है कि बुरी नज़र से कैसे बचें, या फिर यदि नज़र लग गई है तो उस नज़र को उतारने का क्या उपाय, आप स्वयं उतार सकते हैं। और नज़र को उतारने के लिए आपको क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, क्या लक्षण होते हैं, उनको कैसे पहचाने, ज्योतिष में उन कौन से ग्रह हैं जो आपको नज़र लगने से प्रेरित करते हैं, वो सब आज इस टॉपिक में चर्चा करने वाला हूँ। आज का टॉपिक है कि आपके यदि बिजनेस के अंदर, व्यापार के अंदर, आपके कार्य क्षेत्र में यदि नज़र लग गई है, यानी कि आप जो भी व्यापार करते हैं उसमें लगातार घाटा हो रहा है, आप प्रयास करने के बावजूद भी उस घाटे से नहीं उबर पा रहे हैं और आपको लगता है कि मैं सारा कुछ ठीक कर रहा हूँ, मेरे मित्र भी मेरा सहयोग कर रहे हैं सब कुछ, लेकिन उसके बावजूद भी मेरा काम धंधा नहीं चल पा रहा है, तो मित्रों निश्चित रूप से आपके बिजनेस को नज़र लग गई है। वो नज़र कैसे उतारे, उसको कैसे पहचाने, वही मैं आज यहाँ पर बताने वाला हूँ। दोस्तों, मैं अशोक आचार्य पिछले 30 वर्षों से अधिक समय से ज्योतिष, वास्तुशास्त्र, न्यूमरोलॉजी, स्पिरिचुअल हीलिंग, अंक विद्या और योग ध्यान के माध्यम से लोगों की सेवा कर रहा हूँ। समाज का इन सब सिस्टम से अधिक लाभ मिल सके, इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए जीवन से जुड़ी, जन्म से लेकर मृत्यु तक जितनी भी प्रकार की समस्याएं आती है उनके समाधान के लिए यहाँ पर आया हूँ। आज का जो विशेष टॉपिक है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है, वो है कि यदि आपके काम धंधे पर, आपके बिजनेस पर, व्यापार पर, चाहे वो बिजनेस छोटा है चाहे वो बड़ा है, नज़र लग गई है, आपके सामने जो दुकानदार है वो बहुत अच्छा बिजनेस कर रहा है और आप उससे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, आप उससे अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपका धंधा बिल्कुल चौपट होता जा रहा है, आपके बिजनेस के अंदर बरकत नहीं है, काम आगे नहीं बढ़ रहा है, तो निश्चित रूप से ये आपके यहाँ पर नज़र का दोष हो सकता है। आज मैं जो बात करने वाला हूँ कि उसका उपाय क्या है, तो नज़र से बचने के उपाय मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ और बड़े आसान हैं, जिसकी मदद से आप किसी भी तरह के नज़र दोष से बच सकते हैं। जब किसी व्यक्ति पर बुरी नज़र लगती है तो उसके सामने परेशानियों का भंडार आ जाता है। नज़र दोष के कारण मनुष्य के जीवन में परेशानियां जानबूझ कर आ जाती है, यानी कि आप मान के चलिए कि वो ऐसा व्यक्ति कहीं भी होगा, परेशानियां उसके पास आ जाती है, इस दौरान उसके बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं, हर क्षेत्र में उसे निराशा हासिल होती है। इसलिए बुरी नज़र से बचने के लिए लोग नज़र उतारने के उपाय करते हैं, नज़र दोष के टोटके और नज़र उतारने का मंत्र जाप करते हैं। इसके अलावा नज़र दोष से बचाव के लिए लोग बहुत से तरीके अपनाते हैं। बुरी नज़र के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में सफल होता है तो उसके जो आसपास के जो लोग हैं, उसके मित्र भी हो सकते हैं, उसके रिश्तेदार भी हो सकते हैं, उसके पड़ोसी भी हो सकते हैं, तो वो जब देखते हैं कि आप पहले से ज़्यादा अच्छा बिजनेस कर रहे हैं या तरक्की कर रहे हैं, अच्छा कपड़ा पहन रहे हैं, आपकी सेहत अच्छी हो गई है, आपका घर परिवार फल फूल रहा है, तो वो मन ही मन आपसे ईर्ष्या करने लगते हैं और उस ईर्ष्या की वजह से उनके मन के अंदर आपके प्रति बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी हमेशा 24 घंटे वो चलती रहती है। जब भी आप उनके सामने जाएंगे तो वो एनर्जी और ज़्यादा बुरे ढंग से काम करती है और लगातार जब वो नेगेटिव एनर्जी काम कर रही होती है तो उसका असर आपके मानसिक स्तर पे काम करना शुरू कर देता है। बुरी नज़र के कारण व्यक्ति, उसकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो नष्ट हो जाती है, वह जो भी करता है उसे नुकसान उठाना पड़ता है। इसी तरह यदि किसी के घर को नज़र लग जाती है तो ऐसे व्यक्ति के घर में अशांति का वातावरण छा जाता है, घर की खुशियाँ मातम में बदल जाती है, किसी के फलते फूलते घर को देखकर लोग ईर्ष्या करते हैं, उनसे चिढ़ते हैं। ये मतलब बहुत सारे ऐसे लोग मेरे पास आते हैं और मैं अनुभव करता हूँ कि वो बताते हैं, गुरुजी हमारा अच्छा खासा परिवार था लेकिन पता नहीं क्या हुआ, हमारे परिवार को नज़र लग गई, मुझे बड़ी पीड़ा होती है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रख के मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँ जो आप स्वयं कर सकते हो, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ चीज़ों को ध्यान रखना है बस, उससे आप यदि करेंगे तो
वो बुरी नजर का असर खत्म हो जाएगा। यहां पर अब सबसे पहले ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि उसके लक्षण क्या है। यदि किसी की बुरी नजर लग गई है आपको, आपके बच्चे को, आपके परिवार में, आपके घर के अंदर, तो उसका जो लक्षण होते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं वो क्या हो। यदि किसी घर के ऊपर नजर लग जाए तो उस घर में हमेशा कलेश पैदा रहता है, घर में चोरी चकारी की घटना होती रहती है, घर में अशांति का माहौल बना रहता है, घर के सदस्य किसी न किसी रोग से पीड़ित रहते हैं, उस घर में दरिद्रता आने लगती है, व्यक्ति दर दर भटकता है, उसकी नीयत खराब हो जाती है, उसका मन हमेशा मांगने वाला हो जाता है और वो हमेशा प्रयास करता रहता है ऐसे व्यक्ति की कहां से कुछ मिल जाए, वो दर दर भटकता रहता है इन सब चीजों को लेके। यदि काम धंधे पे किसी की नजर लग जाए तो व्यापार ठप होने लगता है, बिजनेस में उसे लाभ की बजाय हानि होने लगती है। यदि किसी व्यक्ति को नजर लग जाती है तो वो व्यक्ति जब क्या होता है बुरी संगत में फंस जाता है, वो दर दर भटकता रहता है और वो सारे ऐसे काम करता है जिससे कि उसे, उसके परिवार को या स्वयं को उसको अपयश मिले, उसकी बुराई होने लगती है, क्योंकि वो ऐसे सारे काम करता है जिससे कि उसके चरित्र के ऊपर या उसके व्यवहार के ऊपर या उसके करेक्टर के ऊपर उंगलियां उठनी शुरू हो जाती है। तो ये जब ऐसा होता है तो उसके सारे काम बिगड़ने शुरू हो जाते हैं, उसकी प्रतिष्ठा समाप्त हो जाती है, उसका मान सम्मान खराब हो जाता है। नजर लगे व्यक्ति को या नेगेटिव एनर्जी वाले व्यक्ति, वो हमेशा भटकता रहता है, वो उसकी तलाश रहती है कि पता नहीं वो क्या ढूंढ रहा है, उसकी नजरें बता देती है कि इसको व्यक्ति को क्या मतलब इसके कुछ जरूरत है, उसकी आंखें बता देती है, उसका व्यवहार बता देता है और वो हर समय कुछ ना कुछ इधर उधर भटकता रहेगा। एक जगह ऐसा व्यक्ति ठहरता नहीं है, कभी वो यहाँ रहेगा कभी वहां रहेगा, वो घूमता रहेगा चारों तरफ, और क्योंकि उसको नजर है वो नेगेटिव एनर्जी में है। तो ऐसा व्यक्ति उसके पूर्व जन्मों के संस्कार के आधार पर वो भटक रहा है, और ऐसे व्यक्ति को जब भी कोई उसका शुभ चिंतक उसको सलाह देता है तो उससे वो दुश्मनी बना लेता है, उससे दूर हो जाता है, उसको ही वो अपने से दूर करना शुरू कर देता है। ऐसे लोगों पर नजर का बहुत बुरा असर होता है। यदि किसी बच्चे को नजर लग जाए तो ऐसा बच्चा हमेशा बीमार रहता है, वो दूध पीना बंद कर देता है, वो खाना खाना बंद कर देता है, वो चिड़चिड़ा हो जाता है और पढ़ाई में उसका मन नहीं लगेगा। तो ये बच्चे को नजर का असर होता है। तो अब देख लेते हैं कि यदि नजर लगी, ये तो मैंने आपको बताया लक्ष्य कि लक्षण क्या है, अब मैं बताता हूं कि जो लक्षण है क्या वो जन्म कुंडली में भी है, क्योंकि मैं यहाँ पर ज्योतिष के माध्यम से आपको ये सारी चीजें बता रहा हूं। तो किस व्यक्ति को नजर लग सकती है वो मैं यहां पर आपको बता रहा हूं, वो योग कौन से है ज्योतिष के। ज्योतिष के अनुसार यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में लग्नेश और चंद्रमा राहु से पीड़ित हो जाए, यानी कि चंद्रमा राहु के साथ हो या चंद्रमा के ऊपर राहु की दृष्टि हो, तो ऐसे व्यक्ति को नजर दोष का सामना करना पड़ सकता है। उसके ऊपर मैं कहूंगा कि ऐसे व्यक्ति को नजर नेगेटिव एनर्जी या एविल जो आई होती है वो काफी जल्दी असर करती है। इसके अलावा जन्म कुंडली में नीच राशि में राहु के साथ लग्नेश तथा सूर्य हो जाए, यानी कि अभी हमने चंद्रमा की बात की, अब हम बात करते हैं सूर्य, क्योंकि चंद्रमा जो है मन का कारक है। चंद्रमा कमजोर होने से क्या होता है, राहु के साथ यदि शनि के साथ या केतु से चंद्रमा का योग बनता है तो ऐसे व्यक्ति का जो मन होता है काफी कमजोर होता है, पीड़ित होता है, और वो बहुत जल्दी उसको वो ऐसा शो करेगा कि बहुत स्ट्रोंग है या वो लोगों को ऐसा कॉन्फिडेंट फील करेगा, लेकिन होता नहीं है अंदर से उसकी जो, वो बहुत कमजोर होता है, उसको जरा से भी आप टच करेंगे तो वो उसको धराशाही वो हो जाएगा। उसके बाद दूसरी बात, नजर किन लोगों को लगती है, जिसका सूर्य कमजोर हो, सूर्य यदि नीच राशि में है या फिर सूर्य राहु से पीड़ित है, केतु से पीड़ित है, शनि से पीड़ित है, तो ऐसे व्यक्तियों को भी नजर बहुत जल्दी लगती है, ऐसे लोग भी पीड़ित रहते हैं, क्योंकि सूर्य आत्मा का कारक है और यदि ये पीड़ित होगा तो ऐसे व्यक्ति के जीवन के अंदर हमेशा कोई ना कोई ऐसी पीड़ा रहेगी, ऐसा मन में रहेगा कि वो हमेशा उस चीज से जूझता रहता है। और जो सबसे बड़ी बात है कि ऐसे लोगों को जब भी कोई शुभचिंतक इनको सलाह देगा या इनके कोई शुभचिंतक होंगे तो ये अपने उन शुभचिंतकों को ही दुश्मन मान लेते हैं, कोई इनके जीवन में इनको भलाई का काम करने जाएगा तो ये उन व्यक्तियों को अपना दुश्मन मान लेंगे या उनको ऐसा व्यवहार करेंगे जिससे कि वो दूर हो जाएं। तो ये भी
सूर्य कमजोर होने से, पीड़ित होने से, नीच राशि में होने से होता है। तीसरा जो प्लेनेट है जिसको नजर लग सकती है ज्योतिष के आधार पर, वो होता है मरकरी, जिसको हम बुध भी कहते हैं। बुध क्योंकि हमारे जो नर्वस सिस्टम है उसका कारक होता है, और यदि हम बात करें तो बुध जो होता है योग और तंत्र मंत्र योग आदि का भी प्लेनेट होता है, जिसकी कुंडली में यदि बुध अष्टम में आ जाए, सूर्य अष्टम में आ जाए, चंद्रमा अष्टम में आ जाए और उसके ऊपर राहु केतु शनि का असर आए, तो ऐसे व्यक्तियों को भी नजर लगने के योग बनते हैं। तो ये सब मैंने जो आपको बताया है, इसलिए जब भी आप नजर का उपाय करें तो उसमें हमको राहु शनि केतु का उपाय अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के कारण वो आपको नजर लगती है। क्या उपाय होगा, कैसे होगा, वो आपकी जन्म कुंडली के आधार पर ही आपको बताया जा सकता है। यहां मैं आपको सामान्य उपाय बता रहा हूं जो आप घर के अंदर आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि जब हम जन्म कुंडली के आधार पर करते हैं तो ये देखते हैं कि जन्म कुंडली में इन प्लैनेट्स की क्या पोजीशन है, अभी किस चीज की महादशा चल रही है, अभी क्या गोचर है, ये सब चीज को ध्यान में रखते हुए हम उपाय करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मैं आपको उपाय बता रहा हूँ बहुत सरल उपाय हैं, आप उसको स्वयं घर पर कर सकते हैं, यदि वो करेंगे तो आपको लाभ होगा। तो चलिए मैं उपाय बता देता हूँ, यदि आपके बिजनेस में, काम धंधे में या करियर में बाधा आई है तो सबसे पहले का जो भी आपका कार्यस्थल है कि वहां पर आपको क्या करना है, नींबू और सात हरी मिर्च मंगलवार या शनिवार को लटका देना है, और चाहे तो आप उसको हर शनिवार को बदल सकते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करते तो जब भी वो सूख जाए तो आप दूसरा पेयर लगा सकते हैं। उसके बाद शनिवार के दिन नींबू को फैक्ट्री जहां पर भी या आपका जो भी जगह है अथवा दुकान की चारों दीवार पर स्पर्श करें, यानी कि आप क्या करें, एक नींबू ले लें और उस नींबू को अपने ऑफिस में, आप इसको क्या करना है, आप जहाँ से सूर्य निकलता है उसके जस्ट अपोजिट यानी कि पश्चिम की तरफ से, पहले वाले पश्चिम के कोने से लगाएं, उसके बाद आप उत्तर वाले कोने पर आएं, फिर पूर्व वाले कोने पर आएं, फिर दक्षिण वाले कोने पर आएं, ऐसे करके चार बार उसको छूने के बाद उसको चार टुकड़ों में काटें और उसको चार दिशाओं में फेंक दें। तो ये उपाय भी बहुत कारगर सिद्ध होता है, और इससे परिवार के अंदर या आपके जो संस्थान है, जो कार्य करने का जो स्थान है, वहाँ पर बरकत होनी शुरू हो जाती है, वहाँ पर बुरी नज़र का असर कम हो जाता है। अब मैं अगला उपाय बता रहा हूँ आपको कि आपको क्या करना है, अपने व्यापार स्थल पर जहाँ पर भी आपका है वहाँ पर आपको क्या करना है, चार कील आपको लेनी है, और चार कील लेकर आपको क्या करना है, उन चारों कोनों पर उन कीलों को ठोक दीजिए, बस उपाय हो गया। ऐसा करने से भी आपके यहाँ पर व्यापार में जो लगी नजर होती है वो दूर हो जाती है। अब एक काम और कर सकते हैं, बहुत सरल उपाय है, आप जहाँ भी आपका ऑफिस है, जहाँ भी आप व्यापार करते हैं या जो भी ऑफिस आपका है, वहाँ पर एक गिलास पानी आप ले, कांच का गिलास, और उसमें आप एक पीला नींबू, पका हुआ नींबू डाल दें, सिंपल। इसको आप ऐसी जगह रखें जो भी व्यक्ति आए जाए उसकी नज़र इसके ऊपर पड़नी चाहिए। आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे इससे भी नजर उतर जाती है। दोस्तों ये मैंने जो उपाय बताए हैं ये बहुत सरल उपाय हैं, और ये जो सरल उपाय आप करेंगे तो डेफिनेटली इससे आपको लाभ होगा। मित्रों मैंने यहां पर आपको जो उपाय बताए हैं, यदि आप मेरे इस टॉपिक से संतुष्ट हैं, आपको वीडियो पसंद आया है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकॉन का बटन भी अवश्य दबाएं, जिससे कि मेरा लेटेस्ट अपडेटेड वीडियो आप तक पहुंचता रहे। और मेरा एक आपसे निवेदन है कि मेरे इस चैनल को आप अधिक से अधिक लोगों में शेयर भी करें, जिससे कि उन लोगों की भी मदद हो, क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं, हम जब परोपकार करते हैं तो उससे बड़ा कोई दुनिया में कोई अच्छा पुण्यकर्म हो ही नहीं सकता। मेरे जो वीडियोस होते हैं वो सरल, मैं उसमें टॉपिक देता हूं, और मेरा प्रयास है कि आप उनको घर पर और स्वयं कर लें, जब आपको लाभ होगा। और जब आप इसको सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकॉन का बटन अवश्य अभी दबाइए, मेरा आपसे निवेदन है, और जब अन्य लोग भी उसका लाभ उठाएंगे तो आप देखिए उनका जो आपको
पुण्य कर्म मिलेगा, वो भी आपके भाग्य में जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए केवल इतना ही, एक नए सब्जेक्ट के साथ मैं फिर आऊंगा। एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहां बताना चाहूंगा कि मैंने नजर के ऊपर अलग अलग टॉपिक बनाए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैंने वो सारे टॉपिक दिए हैं, आप वहां पर क्लिक करिए। जैसे कि बच्चे को नजर लगना, काम धंधे पर नजर लगना, परिवार पर नजर लगना, विवाहित परिवार को नजर लगना, स्टूडेंट को नजर लगना, ये सारे टॉपिक्स मैंने बनाए हुए हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस टॉपिक पर आप क्लिक करेंगे तो आपको नजर उतारने के या जो नेगेटिव एनर्जी है उससे बचने के उपाय वहां पर मिल जाएंगे। दूसरी बात, यदि आपको लगता है कि आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो दोस्तों यहां से मैं आपसे विदा लूंगा। राधे राधे।